पार्टी मैदान में इस नारे के साथ कांग्रेसी ने रैली निकाली और संभागायुक्त कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने बुजुर्गों के पोस्टर को टोकनी में रखकर विरोध जताया। साथ ही कुछ कांग्रेसी श्रवण कुमार बनकर भी आए। विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा कि इंदौर में बुजुर्गों के साथ जो अमानवीय हरकत हुई है वो बहुत निंदनीय है। उन्हें जानवर की तरह ठूठ उसका भरा गया है। इतना ही नहीं, उन्हें जंगल में ले जाकर धक्का देकर उतारा गया। वो तो भला हो वहाँ के ग्रामीणों का जो उन्हें वापस भिजवाया। अभी भी 12 बुजुर्ग गायब है, उन्हें कहाँ छोड़ा गया है, वे किस हाल में है पता नहीं। नगर निगम प्रशासन और सरकार उनका पता लगाए। इस घटना से पूरा देश दुखी है। क्या इनमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं है? बुजुर्गों को बेरहमी से डंपर में ठूस रहे थे, ऐसे बुजुर्गों को खोज कर खाने पीने की व्यवस्था सरकार करे। आपको बता दें कि शुक्रवार को निगम का डंपर में कुछ बुजुर्गों को भरकर रेन बसेरा में शिफ्ट करने की बताकर शहर से बाहर सिपरा लेकर पहुंचा था। यहां बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार करते हुए उन्हें जंगल में उतार दिया गया था। जब डंपर बुजुर्गों को छोड़कर लौटने लगा तो ग्रामीणों ने विरोध जताया, फिर से सभी को ट्रक में बिठाकर वापस इंदौर रवाना किया। इसका वीडियो वहां के दुकान संचालक ने वायरल कर दिया, जिसके बाद मुद्दा गर्मा गया।